तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु। स्वागत है आपका आज की एक और स्कूटी वाले वीडियो में। भाई टाइटल थंबनेल से देख लिया ना, टायर का है भाई, थोड़ा सा काम हो गया, तो स्टार्टिंग से आप लोग देख के आओ। तो भाई ये है अपने वाली स्कूटी, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आ रखी है, टायर में दिखाता हूँ। देखो मिशलिन वाला टायर है, मैं ये नहीं बोल रहा कि टायर में दिक्कत आ रखी है, बट यहाँ पर देखो ये रखा, पान डाल के दिखाते हैं। और जो बबलिंग है ना, दिख रही है, बबल्स निकल के आ रहे हैं, बस यही दिक्कत। तो कहने को देखो ग्रिप तो पड़ी अच्छी खासी, टायर मस्त चला है, अराउंड 25,000 चल चुका है टायर। तो इसमें ये दिक्कत आई, ये क्या कैसे दिक्कत आई, ये क्या दिक्कत आई, देखो टायर बैठ रखा पूरा, दिख रहा है ना, टायर पूरा बैठ रखा है यहाँ से। अब ये मैन्युफैक्चरिंग में ये पता नहीं। तो बस भाई शुरू हो चुका है काम, वारंटी में तो नहीं आएगा क्योंकि 20-25% लाइफ बची है इसकी। बाकी नया टायर डलवा रहे हैं, उसका भी एक्सपीरियंस बताएंगे, इसका तो एक्सपीरियंस मस्त रहा है। तो टायर लग चुका है, बताएंगे। अपना वाला जो टायर था उससे एक लेवल ऊपर लगा है इसमें, क्योंकि तार देखो, देखो मिशलिन का तो है ही, 9000 इसकी रेटिंग आ गई। और ये कहाँ गया इसका, ये देखो ये रहा, सिटी एक्सपर्ट लगाया आपकी बार, ग्रिप पैटर्न इसका ऐसा है, ये भी चेक करके बता देंगे। बाकी स्कूटी तो खराब हो ही रखी है, स्कूटी अपनी रेडी हो चुकी है, टायर वगैरह डल चुका है, पेमेंट वगैरह करते हैं, हिसाब किताब बता दें क्या हिसाब किताब इसका बैठा, मेहनत की है वो भी अभी करके गए। स्टार्टिंग से देखा है तो देखो भाई ऐसा कुछ फिटिंग वाला इसका काम रहा, और बाकी अब क्या बची बातें, कौन सा ये वाला टायर है। तो टायर की मैं बताता हूँ, 9000 वाला ये टायर है, 10 इंच के रिम में ये रैप्ड है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है स्कूटी के टायर अमूमन यही आते हैं। मिशलिन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई, अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा। मैंने जिसने भी है ना मेरे से ये पूछा ना कि भाई देखो टायर कौन सा डलवाऊँ, मैं कहा मिशलिन डलवा भाई, सीधी बात। घर में मेरे दो टू व्हीलर्स हैं, दोनों टू व्हीलर्स में मतलब एक और दो और हैं, दोनों में ही ये मिशलिन के टायर्स रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स वगैरह हैं कुछ, उनके भी व्हीकल से मैंने मिशलिन के टायर डलवा दिए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है इसके साथ में। देख लो अराउंड 5 साल का तो टाइम पीरियड हो गया होगा, 5 साल में ऑलमोस्ट मैंने 25,000 किलोमीटर्स में चला दिए। टायर में टायर की ग्रिप तो आपने देखी है अभी, तो कैसी अल्टीमेट ग्रिप थी उसकी। बाकी इसकी भी ग्रिप पैटर्न्स अच्छी है, नया वाला डलाया वो भी लेटेस्ट में था, ये भी लेटेस्ट में है, शायद ना मिले ऑफलाइन, तो ये मिल गया विक्रम टायर्स में मैंने डलवाया है। फोटो वगैरह लेना भूल गया, बट गूगल मैप्स का सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अपने 1750-1800 के अराउंड ये टायर पड़ा है, तो आप देख लो। और ये देखो लेटेस्ट लॉन्च है, तो वैसे भी रिव्यूज़ का मस्त दे दूंगा आप लोगों को, अच्छी बात है ना। मेरे को सबसे बढ़िया इसका लगा ग्रिप पैटर्न, ग्रिप पैटर्न इसका ऐसा है जिस हिसाब से जो हाइड्रोफोबिक ग्रिप पैटर्न्स होते हैं ना, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी निकलने के लिए जगह होती है, वो सब चीज़ें इसमें अल्टीमेट मिलेंगी। तो ये ऐसा कुछ इसका शॉर्ट रिव्यू एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आज का लंबा वाला लोग इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि ये छोटा वाला आ रखा था, इसका काम करवाने में बिजी हो गए थे। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।